नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फायदा देने वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, वह स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड का शेयर अभी 1.95 रुपए पर चल रहा है। अगर आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजिशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन की बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों 15 जुलाई 2004 को हुई थी, 16 साल पहले। और यह दोस्तों टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इसका हेडक्वार्टर नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके प्रोडक्ट्स की बात की जाए दोस्तों तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वे हैं मोबाइल टेलीफोनी, वायरलेस इंटरनेट, डिजिटल टेलीविजन। इसके सर्विसेज की बात की जाए दोस्तों तो वे हैं इंटरनेट सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज, क्लाउड नेटवर्किंग, डेटा सेंटर सर्विसेज, एंटरप्राइज वॉयस, क्लाउड टेलीफोनी, कॉलबोरेशन सर्विसेज, होलसेल वॉयस, वैल्यू एडेड सर्विसेज। और दोस्तों इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो काम करते हैं वो 3000 से भी ज्यादा काम करते हैं। और दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन जो है वह 2G सर्विस, 3G डेटा सर्विस ये प्रोवाइड करती है और वॉइस कॉलिंग की सर्विस भी प्रोवाइड करती है। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने जो अपना टेली कम्युनिकेशन का बिजनेस है वह 2019 में बंद कर दिया है और कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया है और बैंकरप्सी के लिए फाइल किया हुआ है। और दोस्तों अभी यह बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग में चल रहा है। तो जैसे ही इसका जो बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग ये पूरी हो जाएगी इसका स्टॉक प्राइस अचानक से ऊपर चला जाएगा। और दोस्तों जहां तक 90% के चांसेज हैं तो मुकेश अंबानी जी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस कम्युनिकेशंस को जरूर टेक ओवर करेगा और इसका विलय रिलायंस जियो के साथ हो जाएगा और रिलायंस कम्युनिकेशंस बहुत जल्दी 5G सर्विसेज भी लॉन्च करेगा। तो जैसे ही दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज इसको टेक ओवर करेगा तो जो इसके असेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में चली जाएंगी, जिससे दोस्तों रिलायंस जियो का नेटवर्क जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा रिलायंस जियो का नेटवर्क। और दोस्तों आने वाले समय में रिलायंस कम्युनिकेशंस अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स और प्लान लॉन्च करेगा जिससे कस्टमर्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो दोस्तों बैंक ट्रप्सी की प्रोसीडिंग जैसे ही पूरी होगी तो दोस्तों इसका स्टॉक प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है। दोस्तों कोई ना कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी इसमें आने वाले समय में जरूर इन्वेस्टमेंट करेगी बैंक ट्रप्सी प्रोसीडिंग में भाग लेकर। और जहां तक 90% चांसेस हैं तो दोस्तों ये अंबानी ग्रुप की कंपनी है तो मुकेश अंबानी जी जरूर इसको टेक ओवर करेंगे और इसका जो विलय है वो रिलायंस जियो के साथ होगा आने वाले समय में। तो आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के स्टॉक को कैश में बाय कीजिए और इसके जो शेयर की डिलीवरी है वह अपने डीमैट अकाउंट में ले लीजिए। और दोस्तों इसको आप अगले 3 से 4 साल के लिए होल्ड कीजिए। दोस्तों अगले 3 से 4 सालों में यह स्टॉक 53 रुपए तक जाता हुआ नजर आने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों पोजीशन बनाने का अच्छा मौका है। आप लोग चाहें तो अभी इसमें पोजीशन बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द एक नए स्टॉक का वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आप सभी लोगों के लिए और भी अधिक फायदा देने वाला होगा। तो वह वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।